Hi guys, this is Ishita Khurana, a final year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. So this video is going to be your second year MBBS guide. So agar aap ek second year MBBS student ho ya fir aap second year mein aane wale ho and you're looking for someone jo aapko pure second year ka bataye that how you should study, what are the sources and what books you should follow. So this video is going to cover everything for you. So सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की. तो सब्जेक्ट्स आपको पता होंगे, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट्स होते हैं सेकेंड ईयर में. एंड पहले फोरेंसिक मेडिसिन भी सेकेंड ईयर में होता था, बट अब उसका एग्जाम थर्ड ईयर में होने लगा है. सो ये तीन सब्जेक्ट्स बहुत छोटे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तीनों ही सब्जेक्ट्स काफ़ी बल्की हैं एंड आप बहुत ईजिली इनको दो तीन महीने में लास्ट में कवर नहीं कर सकते हो. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे साल इसको अच्छे से पढ़ना. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, दीज आर गोइंग टू बी योर बेस फॉर ऑल योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. ट्रस्ट मी, पैथोलॉजी इज द हार्ट ऑफ ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, फार्माकोलॉजी आपके सारे सब्जेक्ट्स में आने वाली है, माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत सारे इन्फेक्शन में आपके लिंक होगी. तो ये तीन सब्जेक्ट्स ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MBBS में, क्योंकि जो पूरा बेस है ना वो इन पे रहेगा. अब मेरे सीनियर्स भी मुझे यही बात बोलते थे, उनके सीनियर्स भी उन्हें यही बात बोलते थे, बट अब मैं क्योंकि खुद एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ तो मुझे ना वो इंपॉर्टेंस पता चल रही है, फार्मा की इंपॉर्टेंस कितनी है. क्योंकि जो टॉपिक्स अब मेरे कुछ वीक रह गए थे वो मुझे लगता है कि मेरे को शायद और स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए थे, तो मेरी आज मेरे लिए चीज़ें और आसान हो जाती. एंड बींग योर सीनियर एंड यू बींग माई जूनियर्स, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो. तो दिस इज़ अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट की एडवाइस कि प्लीज़ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करना. सो वी विल स्टार्ट विथ पैथोलॉजी फर्स्ट. तो पैथोलॉजी एज आई सेड इज द हार्ट ऑफ ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एंड पैथोलॉजी में आप सारी बीमारियों के बहुत सारे बेसिक्स पढ़ोगे जो आगे आपको ना बहुत हेल्प करेंगे फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने. तो पैथोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है एंड इसके लिए जो बुक्स फॉलो करी जाती हैं दैट इज़ रॉबिन्स, जो स्टैंडर्ड बुक है. एंड रॉबिन्स इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक क्योंकि इसके अंदर ना आपके सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा मिक्स दिया हुआ है. प्लस आई वुड से कि मेरे सीनियर्स मुझे ये बात बोलते थे कि जितनी रॉबिन्स पढ़ पाओ पूरे साल में उतनी पढ़ लेना, जितनी कर पाओ उतनी कर लेना. एंड मैं भी पूरी रॉबिन्स तो देखो नहीं पढ़ पाई थी वेरी फ्रैंकली, बट अगर आप कर सकते हो इट्स वेरी वेरी गुड. तो अगर आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, मेडिसिन पढ़ोगे, ENT भी पढ़ोगे फॉर दैट मैटर, और फिर रॉबिन्स पे जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. तो एक साल में पूरी रॉबिन्स को समझना आई डोंट थिंक इज दैट मच पॉसिबल क्योंकि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी तक नहीं पढ़े होते हैं. बट ट्राई कि आप मैक्सिमम यूनिट्स कवर कर पाओ. प्लस जो हमारे प्रॉफ एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मैंने डॉक्टर गीतिका खन्ना की बुक फॉलो करी थी एंड शी इज़ आर प्रिंसिपल ऑल्सो ऑफ आर कॉलेज. तो डॉक्टर गीतिका खन्ना की बुक इज़ वेरी गुड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. तो वो मैंने वहाँ से किया था एंड रॉबिन्स किया था. साथ में द मेन सोर्स ऑफ माई नोट्स एंड माई कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोलॉजी वॉज डॉक्टर प्रवीण सर हु इज़ टीचिंग ऑन ई गुरुकुल. तो मतलब मुझे उनकी पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. ही इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल, मतलब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हैं. प्लस आपको रॉबिन्स का एक क्रक्स पूरा जो है ना, जो मतलब चार पेज का जो क्रक्स है वो आपको बता देते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने प्रवीण सर के नोट्स प्रवीण सर से पढ़ लिया, उसके बाद जब आप रॉबिन्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, आप बहुत ईजिली पढ़ पाओगे. मेरा सेकेंड ईयर बहुत छोटा था क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत लंबा हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन. तो मैं पूरी रॉबिन्स नहीं पढ़ पाई, फिर भी मैंने काफ़ी यूनिट्स कवर करी थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण सर का मेरे लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. नोट्स भी आपके पास बहुत अच्छे बन जाएंगे जो आज भी मैं अब मेडिसिन के साथ रेफर करती हूँ. मूविंग ऑन टू माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी में मुझे लिटरली मतलब मुझे बहुत एज अ सब्जेक्ट पसंद आ गया था एंड मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे माइक्रोबायोलॉजी में, आई रिमेंबर. और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा आया था एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर नज़ीर सर. मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उनसे अच्छा कोई माइक्रो पढ़ा सकता है. उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है, उनके जो फ्लो चार्ट्स हैं, उनके जो एक ना मतलब वो टेबल्स टाइप लिखवाते हैं, जैसे बैक्टीरियोलॉजी के सारे क्लासिफिकेशन लिखवाते हैं, मतलब वो क्लासिफिकेशन इतनी अमेजिंग है कि आप याद आप बहुत अच्छे से रख पाते हो. आपको बहुत सारी चीज़ें ना मतलब वो एक एक पेज में ही याद हो जाती हैं. तो बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है. और अगर आप वो पढ़ लेते हो तो उसके बाद जैसे डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री की बुक फॉलो की जाती है, तो मैंने वो पढ़ा था, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े थे और उसके बाद डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री की बुक भी पढ़ी थी. तो अब द थिंग इज कि डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री की जो बुक है इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट एंड आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हो. तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि पूरे नोट अच्छे से पढ़ लिया और फिर उसके बाद एक बार बुक पढ़ ली जो जो मुझे लगता था पॉइंट्स की कुछ मार्क टॉपिक्स है जो प्रॉफ के लिए पढ़ने हैं वो सारे पढ़ लिए अच्छे से. बाकी
नोट्स अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो आप प्रॉफ भी पास, मतलब आई नो पीपल जिन्होंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं वो लोग भी प्रॉफ में अच्छे नंबर लेकर आ गए थे माइक्रो के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, दैट वॉज मोर देन इनफ. दिस इज अगेन ऑन ई गुरुकुल. मूविंग ऑन टू फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो अब मेडिसिन में, सर्जरी, मतलब हर पीडियाट्रिक्स में हर जगह मेडिसिन आ रहा है, हर जगह फार्मैक आ रही है. एंड फार्मैक स्ट्रॉन्ग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप बाद में आपको लगेगा कि मैं पीछे जाके दोबारा रिवाइज करूँ, दोबारा देखूँ. एंड मुझे पर्सनली फार्मैक इतना पसंद नहीं था सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट मैं नहीं रट पाती थी इतना कुछ. अभी भी मेरी कुछ यूनिट्स वीक हैं, स्टिल दे आर वीक, बट मैंने फार्मैक के लिए जो मेन सोर्स फॉलो किया था दैट वॉज डॉक्टर जी आर जी के वीडियोज. एंड साथ में आई वोंट से कि ई गुरुकुल का या बाकी प्लेटफॉर्म्स का अच्छा नहीं है, फार्मैक इज ऑल्सो उनका भी बहुत अच्छा है, बट मेरे कॉलेज में जो जी आर जी सर की बुक है दैट बहुत सारे बच्चे वही फॉलो करते थे, एंड फॉर प्रॉफ एग्जाम्स ऑल्सो इट्स वेरी गुड. तो मैंने उस बुक के साथ ही वीडियोज देखी थी, मोस्ट ऑफ द वीडियोज मैंने वहीं से देखी थी. एंड कुछ कुछ आप ई गुरुकुल से भी देख सकते हैं. टाइम पे होता था कि उनका एक अलग ऐप आ जाता था, एक अलग ऐप आप परचेज कर सकते थे, तो मैंने एक अलग ऐप परचेज कर लिया था उनका, जी आर जी सर का, एंड उससे ही मैंने फार्मैक की थी. तो वो ना बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं फार्मैक, मतलब इजी इन द सेंस कि बहुत सारे निमोनिक्स देते हैं और याद करवा देते हैं बहुत सारी चीज़ें. बट मेरे को इतना, मतलब फार्मैक एज अ सब्जेक्ट ही, मतलब मेरी अपनी पर्सनल वो है कि मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, मेरे को याद नहीं रहता है, बट उनके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे. और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शुरू से ही याद करते रहना तब आपको एंड तक सारे ड्रग्स याद रह पाएंगे. मुझे कहीं ना कहीं रटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो मैं इतना नहीं रट पाती थी, बट अगर आप शुरू से ही करोगे तो एंड तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें. सो दैट वॉज इट अबाउट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आर गोइंग टू बिल्ड योर बेस. अभी भी मतलब जो जो टॉपिक मेरे वीक है, मुझे लगता है कि मुझे फाइनल ईयर के साथ कुछ कुछ चीज़ें दोबारा पढ़नी ही पड़ेंगी, तभी मैं बिल्ड कर पाऊंगी आगे चीज़ें. तो इसीलिए अगर आप एक सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हार्डकोर हर चीज़ अपने सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में लगा देना, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है. सेकंड ईयर के सब्जेक्ट को ही बहुत 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 अच्छे से करो, एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. सो दैट वॉज इट अबाउट सेकेंड ईयर MBBS एंड अबाउट आर मेडिकल कॉलेज की पूरी सीरीज. तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया जिसके अंदर हम लोग जितनी भी मेडिकल MBBS से रिलेटेड वीडियोज हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सबसे रिलेटेड वीडियोज इस प्लेलिस्ट में होंगी, ताकि अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हो तो आपको इससे हेल्प मिल पाए. एंड दैट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड माई थिंग विच आई डिड इन माई सेकेंड ईयर. अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और से भी बहुत अच्छा समझ आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो. इट्स नेवर लाइक कि आपको वही करना है जो मैंने किया है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया और जो मैंने किया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन मेल मी एंड आस्क मी कि आपने क्या किया था, हमें क्या करना चाहिए, क्या बेटर है. तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हो. एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड इफ इट डिड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू सो मच. बाय बाय.